संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं सजीत कुमार चौहान जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड लगातार वीडियो बना रहा हूं। तो आज मैं पहुंचा हूं खुटरी कॉलेज के बच्चों के पास और खुटरी कॉलेज के बगल में ही ये मंदिर कैंपस के पास का हॉस्टल है जहां बच्चे रूम लेकर रह रहे हैं भाई। और अब कुछ दिन में इनको अपना परमानेंट रूम भी मिलने वाला है कॉलेज का। तो एक वीडियो स्पेशल उन बच्चों के लिए है, खासकर 2020 के बच्चों के लिए, क्योंकि ये बच्चे भी हाल फिलहाल ही पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिए हैं और क्लासेस स्टार्ट किए हैं। तो इनसे एक एक्सपीरियंस मिल पाएगा क्योंकि ये ऑनलाइन काउंसलिंग का पहला ग्रुप है जो ऑनलाइन काउंसलिंग कंप्लीट करने के बाद कॉलेज में अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो इनसे खासकर आपको आइडिया हो पाएगा क्योंकि अभी तक जितने बच्चे थे उनका काउंसलिंग जो होता था वो रांची में होता था, लेकिन इस बार पहली बार ऑनलाइन काउंसलिंग हुआ। और 2020 के बच्चों को भी ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी परेशानियां आई थी और उसके बारे में हम लोगों ने लगातार वीडियो भी बनाया था। लेकिन आज स्टूडेंट का एक्सपीरियंस लेते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा परिचय हो जाए कि कौन कहां से हैं और क्या क्या ब्रांच है इनका और सभी कुटरी कॉलेज के हैं। तो चलिए भाई छोटा सा परिचय आप उन्होंने परिचय दें। मेरा नाम सिद्धांत कुमार है, मैं हजारीबाग से हूँ, मेरा ब्रांच मैकेनिकल है। आप बताएं। मेरा नाम कौशिक कुमार है, मैं रांची से हूँ और मेरा ब्रांच मैकेनिकल है। आप बताएं। मेरा नाम अमन कुमार है, मैं धनबाद से हूँ और मेरा ब्रांच ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है। मेरा नाम टेनिसन कुमार है, मैं धनबाद से हूँ और मेरा ब्रांच ऑटोमोबाइल है। तो चलिए भाई अब ये बात करते हैं पहले कॉलेज का क्या हालचाल है, थोड़ा सा हालचाल देख लेते हैं। तो कॉलेज में क्लासेस शुरू हो गई आप लोगों की? क्लासेस कंटिन्यू चल रही है। ओके, तो अभी तो सारे सब्जेक्ट अभी स्टार्ट पूरे प्रॉपर नहीं हो पाए होंगे, स्टेप बाय स्टेप अभी सारा चीज स्टार्ट हो रहा है। और प्लेसमेंट का तो अभी आइडिया लगभग आप लोगों को कुछ अभी मिला नहीं होगा कैंपस के ऊपर क्योंकि सारे नए बच्चे हैं। चलिए तो पहले सबसे पहला तो आप लोग अपने काउंसलिंग के बारे में मुझे बताएं कि काउंसलिंग में आप लोगों को किस प्रकार से आप लोगों को कैसे कैसे स्टेप हुआ, आप लोग तैयारी जो किए तो तैयारी के बाद काउंसलिंग के समय आप लोगों को चॉइस फिलिंग का लगभग कुछ आइडिया था नहीं था और क्या क्या समस्या आई। तो चलिए भाई थोड़ा धनबाद वाले थोड़े नजदीक है पहले इन लोगों से जान लेते हैं फिर रांची वाले से बात करते हैं। तो आप लोगों का कितना कितना सिंगल रैंक लगभग? मैं 3212। आपका? मेरा 13000। तो 13000 में आपको ऑटोमोबाइल मिल गया EWS? तो कैटेगरी में आपका क्या है? SC में। SC में है, चलिए ठीक है। और चॉइस फिलिंग में आप लोगों ने पहला चॉइस क्या डाला था? क्योंकि मैं बता दूं ऑनलाइन काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग डालना था और उसमें कॉलेज चॉइस करना था, ब्रांच चॉइस करना था। तो आपको कौन सा चॉइस मिला? आपके नंबर में कितने नंबर का चॉइस आपको मिला था? 11 नंबर का। और उसके पहले आप लोगों ने क्या डाला था सीरीज में? उससे पहले तो इलेक्ट्रिशियन और सिविल डाले थे धनबाद। अच्छा, धनबाद इलेक्ट्रिकल सिविल, फिर और भी कुछ कॉलेज डाले होंगे? तो 11 आपका 11 रेंज में जो कॉलेज था वो आपको मिला। और आपका? मेरा पहला मिल गया। अच्छा, आपको पहला ही मिल गया, मैंने अपने पहला कुटरी ही डाला था ऑटोमोबाइल। तो आपने ऑटोमोबाइल को चॉइस क्यों लिया ये मैं जानना चाहूंगा। ऑटोमोबाइल आपका मैंने कि आप ऑटोमोबाइल सेक्टर स्पेशल लिए भी क्योंकि पूरे झारखंड में गवर्नमेंट खुटरी एक ऐसा कॉलेज है जहाँ के ऑटोमोबाइल होता है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेने का मेन रीजन क्या रहा? क्या आपके कोई भैया या गाइडेंस के पेरेंट्स का था कि आपको खुद से इंटरेस्ट था कि नहीं मेरे को ऑटोमोबाइल करना है? नहीं, मेरे फूफा गाइडेंस ये थे। अच्छा, कि आप ऑटोमोबाइल ले लो। ओके, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में बता दूं कि आने वाले टाइम में काफी अच्छा इसका स्कोप होने वाला है क्योंकि अभी इलेक्ट्रिकल का आप जैसा जान रहे हो कि ऑटोमोबाइल अभी बहुत काफी डिक्रीज हो रहा है। तो हाँ भाई, अभी जो निकलेंगे बच्चे, मान लो 2016-19 के बच्चे जो बीच में निकल रहे हैं उनको ऑटोमोबाइल सेक्टर में दिक्कत होगी क्योंकि अभी खासकर 2016-17-18 के 3 साल के बेसिस में कुछ प्रॉब्लम्स होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा आपको कि इसके बाद ये अप होना स्टार्ट होगा क्योंकि इलेक्ट्रिकल गाड़ियां आना स्टार्ट हो जाएगी और इलेक्ट्रिकल गाड़ियां आएंगे तो पूरा का पूरा एक सिस्टम ही चेंज होगा और सिस्टम चेंज होने के बाद ऑटोमोबाइल के बच्चों के लिए एक अच्छा स्कोप है। तो मैं कहूंगा कि इन्हें भी अपग्रेडेड होने की जरूरत है, इन्हें थोड़े से अपग्रेडेड मशीन्स जो भी अभी हाइड्रोलिक मशीन्स आ रहे हैं या इनके बारे में काफी कुछ आइडिया इनको कलेक्ट करना होगा, कंप्यूटराइज जितने भी सिस्टम्स हैं उनको समझना होगा क्योंकि आने वाले समय में जब तक आप प्लेसमेंट की ओर जाओगे काफी सिस्टम चेंज हो चुका होगा क्योंकि आजकल जितने भी आपका जितनी गाड़ियां हैं आप देखोगे कि सारे में सिस्टम्स काफी ज्यादा रेवोल्यूशन आया हुआ है, क्रांति आया हुआ है। और पुराने सिस्टम्स क्योंकि हमारा जो बुक है वो काफी बैकडेटेड होता है, पुराने अपग्रेडेड नहीं है और हमें अपग्रेड नॉलेज की आवश्यकता होगी। तो गवर्नमेंट ने सीमेंस जैसे ऐसे बहुत सारे सेंटर्स डिजाइन किए हैं जहां पर अपग्रेडेड व्यवस्था मिलता है। तो चलो इसका फायदा आप लोगों को मिलेगा। अब मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा मैकेनिकल के बच्चों को।
तो भाई आप लोगों का चॉइस फिलिंग्स में क्या क्या डाले थे आप लोग, कितने नंबर पे मिला आप लोगों को? चॉइस फिलिंग में तो सर पहले धनबाद ही डाला गया था, लेकिन वहाँ मिला नहीं। उसके बाद मतलब जो कुछ प्रॉब्लम हो गया था सॉफ्टवेयर के कारण से, तो उसके बाद फिर चेंज हुआ। फिर अच्छा, मैंने फर्स्ट में आपको धनबाद मिला था क्या? नहीं, फर्स्ट में धनबाद नहीं मिला था, फर्स्ट में मिला लातेहार। फर्स्ट लातेहार, सेकंड नंबर लातेहार डाला गया था। उसके बाद थर्ड यहाँ का था, तो सेकंड नंबर गया। सेकंड नंबर में लातेहार मिला, तो फिर वहाँ पे जो ऑनलाइन में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो उसके कारण से तो उसमें एडमिशन करा चुके थे, नहीं करवाए थे एडमिशन, मतलब फाइल वाइल जमा हो गया था, लेकिन उसके पेमेंट नहीं हुआ था, पेमेंट नहीं हुआ था, कैंसिल हुआ। तो फिर आपको तो वहाँ से लाना पड़ा होगा फाइल लाकर से। हाँ, फिर फाइल वहाँ से मतलब वही थे, और उस दिन पता चला कि ऐसा। अच्छा, तो फिर आप लेकर डायरेक्ट चले आए, लेकर डायरेक्ट। तो भाई इस बार 2019 थोड़ा सा डिप्लोमा के लिए झारखंड का मैं कहूँ तो कोई खास नहीं गया है, क्योंकि ऑनलाइन काउंसलिंग को लेकर काफी परेशानी हुई। आप अपना बताएं, अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मैंने फर्स्ट काउंसलिंग में डाला था धनबाद, फिर रांची, उसके बाद डाला था ये वाला भोपाल। ओके, तो मुझे लास्ट वाला ही मिला। अच्छा, फर्स्ट सेकंड थर्ड कितने भरे थे आप चॉइस फिलिंग्स? 11। नहीं, चॉइस फिलिंग्स को थोड़ा सा कितना सिग्नल रैंक आपका? 1941। अच्छा, 1941। हाँ ठीक है, 2000 के राउंड में लगभग आपको 20-25 चॉइस फिलिंग्स डालना चाहिए। जैसा मैंने लगातार वीडियोस में भी कहा था आपको कि जो कन्फर्म है वो तो डाले ही, साथ में सेफ्टी के रूप में भी कुछ कॉलेजेस डालना। तो भाई इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा चॉइस फिलिंग्स के लिए, क्योंकि अभी तो टाइम है आपका, अभी तो आप तैयारी करें। लेकिन मैं आपको क्या लगता है, तैयारी का इम्पोर्टेंस और चॉइस फिलिंग दोनों में से किसका रोल ज्यादा रहा डिप्लोमा की जो तैयारी किया, जो रैंक आया, तो आपको क्या लगा कि रैंक के इम्पोर्टेंट रहा इस बार की चॉइस फिलिंग्स भी मायने रखा? चॉइस फिलिंग में सर मायने रखा। हाँ, ये एक नया चीज आया है, क्योंकि ऑफलाइन पहले तो रांची में होता था तो बच्चों के रैंक के अनुसार कॉलेज मिल जाता था। इस बार चॉइस फिलिंग और जिनका नॉलेज अच्छा है इस फील्ड में उनका काफी ज्यादा योगदान था, क्योंकि इस बार अगर नॉलेज नहीं है आपका तो बहुत सारी परेशानियां थी एक नए लोगों के लिए। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है कि इसके मामले में। तो चलिए भाई, अब लास्ट में ये कहना चाहूंगा, 2020 के बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे? आप अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहते हो 2020 के बच्चों को? हाँ, जैसे कुटरी कॉलेज के बारे में आपका क्या आइडिया है, कुटरी कॉलेज का कैसा रहा आप लोगों का एक अपना एक्सपीरियंस 2020 के बच्चों के लिए? कॉलेज तो अच्छा है सर, लेकिन फॉर्म भरने टाइम सबका ध्यान रखना पड़ेगा, काउंसलिंग कम हो रहा है। बस फाइल का ध्यान रखेगा तो बाकी आगे मैं खुद कर सकता हूँ। हाँ, एक मेरे विचार से जिन बच्चों का रैंक मेरे अपने अनुमान के अनुसार जिन बच्चों का 1200-1500 रैंक के बाद 3000-4000-5000 तक के बच्चे बोकारो कुटरी को चॉइस में जरूर डालें। और चूंकि ये होता क्या है कि टॉप लेवल कॉलेजेस से अगर आप आते हो तो इस कॉलेज का रैंक मुझे लगता है कि पांचवा या छठे रैंक पर इस कॉलेज को मैं अपने रैंक के अनुसार रखा हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग तो भाई अब आदितपुर, सारे बच्चे आदितपुर नहीं जा सकते क्योंकि लिमिट कॉलेज सीट है। धनबाद हो गया, निरसा हो गया, भागा माइनिंग हो गया, रांची हो गया, और इसके बाद अगर कोई कॉलेज आता है तो बोकारो आता है। बोकारो का मैकेनिकल बेस्ड है, और सबसे बड़ी बात है अगर आपका करियर में ऑटोमोबाइल का ऑप्शन आप चाहते हो तो भाई एक लौता कॉलेज है गवर्नमेंट का जहां पर ऑटोमोबाइल है, बाकी कोई भी कॉलेज में ऑटोमोबाइल नहीं है। और दूसरी बात की अगर आपका रेसिडेंस आसपास है बोकारो के आसपास, तो उसके लिए भी ठीक है कि घर के अगल बगल रहकर आप कर सकते हो यहाँ पर मैकेनिकल। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए करना चाह रहे हो तो बोकारो एक इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर आपको एक इन्वायरमेंट मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा हटकर है क्योंकि कुटरी थोड़ा सा आउट ऑफ हो जाता है बोकारो से थोड़ा सा दूर, जिसके चलते तैयारी के लिए बच्चों को एक कैंपस नहीं मिल पा रहा है। ऐसे हम लोग प्रयासरत हैं कि बोकारो में अब ऐसा कुछ इन्वायरमेंट बनाया जाए जैसा कि रांची और धनबाद में आप देख रहे हो कि रांची में बहुत अच्छे अच्छे डिप्लोमा की तैयारी के लिए हैं, मैंने कुछ वीडियोस भी डाला था। धनबाद में भी ऑलरेडी काफी सारे सेंटर अच्छे चल रहे हैं, और आई होप कि इसी तरह से बोकारो भी डेवलप करे। ये प्रयास है लोगों का कि यहाँ भी टेक्निकल में चाहे वो मैकेनिकल के बच्चे हों, ऑटोमोबाइल के या इलेक्ट्रिकल के, किसी भी तरह के बच्चों को एक अच्छी तैयारी कराई जाए, उन्हें SSC या कोई भी जनरल कॉम्पिटिशन के लाइक बनाया जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए कुछ डिवोटेड टीचर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब तक एक अच्छे डिवोटेड टीचर्स नहीं मिलते तब तक रिजल्ट निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो चलो भाई, मैं प्रयास करूंगा कि बोकारो में भी जो ब्रांच की कुछ स्पेशल अगर होम पर्सन जैसे मैकेनिकल के जो बेस्ट फैकल्टी है जिनका नॉलेज काफी बेस्ट है, या ऑटोमोबाइल के, तो उनकी भी मैं कुछ वीडियोस जरूर इंटरव्यू में डालूंगा ताकि बच्चों को नॉलेज हो पाए कि किस तरह के फैकल्टी से किस तरह का बेनिफिट मिल पाता है।
तो ये एक छोटा सा वीडियो था, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।